वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स सुप्रभात सभी को आज हमें ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट दैट इज इंडिया साइज़ एंड लोकेशन पढ़ना है टुडे वी विल रीड अबाउट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी दैट इज़ इंडिया साइज एंड लोकेशन सो अगर हम भारत की बात करें इंडिया की बात करें इट इज़ द सेवन लार्जेस्ट कंट्री इट हैज़ अ वास्ट वेराइटी ऑफ कल्चर लैंग्वेज एंड मेदी मैनी अदर diversity which makes us a unique country in more than one senses so let us read about some aspects that is the size and location of india and the importance of the location of india as far as strategic location trade and many other aspects are concerned so let's move to part first of our chapter india size and location so India has done a lot of development in the past many decades and it is one of the ancient civilizations of the world. It has achieved development in different fields like education, like space research, like building infrastructure, agriculture, and many, many more. So, it has moved forward displaying re remarkable progress in the field of agriculture, industry, technology.

इंडिया फ्रॉम वेर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज पासिंग देखिए आपको डॉटेड लाइन दिख रही है सेंटर में वो क्या है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये देखिए डॉटेड लाइन दिख रही है ये कौन सी लाइन है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंडिया एंटायरली नदन हेमिसफेयर में लाई कर रहा है वो कैसे दोबारा से देखते हैं हम आपको देखिए एट डिग्री नॉर्थ हमारे नीचे से जा रहा है इसी के साथ साथ ये देखिए तो क्या है यानी कि इक्वेटर हमारे नीचे से जा रहा है इसी के साथ अगर आप लैटिट्यूड की बात करेंगे जो हमारा नदन लैटिट्यूड है वो देखिए थर्टी सेवन डिग्री सिक्स नॉर्थ है अगर हम अपने लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें तो वो भी ईस्ट में पड़ता है सिक्सटी एट डिग्री सेवन मिनट ईस्ट टू नाइन्टी सेवन डिग्री ट्वेंटी फाइव मिनट ईस्ट सो इंडिया लाइज इन द नदन एंड द ईस्टर्न हेमस्फेयर्स द मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स बिटवीन 8 डिग्री फोर नॉर्थ इन द साउथ टू थर्टी सेवन डिग्री सिक्स नॉर्थ इन द नॉर्थ वेर एज इन द वेस्ट इंडिया हैज सिक्सटी एट डिग्री सेवन मिनट स्ट लॉ लैटीट्यूड सॉरी लॉन्गी नाइन्टी सेवन डिग्री ट्वेंटी फाइव मिनट ईस्ट लॉन्गीट्यूड तो ये इंडिया का लेटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है लेटिट्यूडनल एक्सटेंट एक बार फिर से एट डिग्री फोर नॉर्थ से थर्टी सेवन डिग्री सिक्स नॉर्थ ये देखिए और अगर आप लॉन्गीट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें तो सिक्सटी एट डिग्री सेवन ईस्ट से नाइन्टी सेवन डिग्री ट्वेंटी फाइव मिनट ईस्ट नेक्स्ट मूविंग ऑन वी ऑल्सो अ डॉटेड लाइन और अट्टीट्यूड विच डिवाइड्स इंडिया इंटू टू इक्वल हाफ्स ऐसा लैटीट्यूड जो इंडिया को दो इक्वल हाफ्स में बांटता है उसकी हम पहले ही बात कर चुके हैं वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ठीक है ये हमारे आठ स्टेट से होके गुजर रहा है इसकी बात आगे करेंगे कौन कौन स्टेट से जाता है सो इंडिया इज अ ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल कंट्री आगे बात करते हैं इंडिया की जो और इम्पॉर्टेंस है लोकेशन की उसमें द सदर मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन मेन लैंड इज़ नोन एज़ कन्याकुमारी जो इंडियन मेन लैंड का सदर मोस्ट पॉइंट है वो हमारे तमिलनाडु राज्य में है जिसको हम कन्याकुमारी भी कहते हैं वो यहाँ पर लोकेटेड है ठीक है उसके अलावा अगर आप बात करें इंडियन यूनियन की यानी कि जो हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं वो भी हमारे देश का ही एक हिस्सा है ठीक है और वो जब देश का एक हिस्सा है तो उसका जो सदर मोस्ट पॉइंट है उसको क्या कहते हैं हम इंदिरा पॉइंट तो इंदिरा पॉइंट जो है वो हमारा सदर मोस्ट पॉइंट है और जो हमारा नदर मोस्ट पॉइंट है वो है इंडिया कॉल आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर में तो इस तरीके से अगर आप इंडियन मेन लैंड की यानी कि इंडिया की जो मुख्य जो ज़मीन है उसकी बात करेंगे जो कि पूरा यहाँ से और कश्मीर तक है तो इसका जो सदर मोस्ट पॉइंट है वो है कन्याकुमारी पर अगर आप इंडियन यूनियन यानी कि पूरे देश की बात करें उसमें आइलैंड्स को भी मिला लें तो फिर हमारा सदर मोस्ट पॉइंट क्या हो जाता है इंदिरा सो मूविंग ऑन द सदर मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन यूनियन इज इंदिरा पॉइंट विच गॉट समर्ज अंडर द सी वाटर इन टू थाउजेंड फोर ड्यूरिंग सुनामी तो 2004 में हम सभी को पता है एक बहुत बड़ी सुनामी आई जिससे हमारा जो स्पेशली ईस्टर्न कोस्ट है उस पर बहुत ज़्यादा तबाही हुई इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया और जो हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड्स है जो हमारे देश का एक टुट हिस्सा है वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज डिस्ट्रक्शन हुआ और ये जो हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडियन यूनियन का ये कुछ समय के लिए पानी में समर्ज हो गया डूब गया था बात करते हैं लोकेशन के बाद इंडिया के साइज़ की सो अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ इंडिया हैज़ इंडिया इज़ द सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर रशिया चाइना यूएसए रशिया कनाडा यूएसए चाइना ब्राज़ील ऑस्ट्रेलिया एंड देन इंडिया सो द टोटल लैंड एरिया ऑफ इंडिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया है इंडिया का इंडियाज़ टोटल एरिया इज़ अराउंड टू पॉइंट फोर परसेंट ऑफ टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड और ये जो थ्री पॉइंट टू एट मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है ये टोटल वर्ल्ड में जितना एरिया है उसका लगभग टू पॉइंट फोर परसेंट एरिया है इंडिया इज़ द सेवन सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड ट्राई टू रिमेंबर द अदर सिक्स लार्जेस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एंड द सेवेंथ दैट इज़ इंडिया आगे अगर हम बात करें साइज़ की तो इंडिया हैज़ अ टोटल लैंड बाउंड्री ऑफ अराउंड फिफ्टीन थाउजेंड टू हंड्रेड किलोमीटर लैंड बाउंड्री यानी कि जहाँ से समुद्र नहीं लग रहा है उसकी अगर हम बात करें तो हमारी लैंड बाउंड्री कितनी है लगभग पंद्रह हजार दो सौ किलोमीटर वहीं अगर हम कोस्ट लाइन की बात करें तो इंडिया की टोटल कोस्ट लाइन की जो लेंथ है इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स वो है ये देखिए इंडिया की जो टोटल कोस्ट लाइन है इसकी जो लेंथ है वो है सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड सिक्सटीन किलोमीटर्स बट देर इज़ अ ट्रिक देर इज़ अ ट्रिविया व्हाट इज़ दिस दैट फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देर इज़ अ लॉट ऑफ लॉन्जिट्यूडनल गैप जो लॉन्जिट्यूड है जो यहाँ से जा रहा है और यहाँ से जा रहा है इसके बीच में लगभग थर्टी डिग्री का गैप है तो ये जो तीस डिग्री का गैप है इससे एक टाइम गैप बन जाता है इंडिया के वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट्स को लेकर तो इस गैप को इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमने एक इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन डिसाइड किया देखिए हम सभी ने सिक्स क्लास में पढ़ लिया था कि जो टाइम है अलग अलग देशों का वो अपने अपने स्टैंडर्ड मेरिडियन से डिसाइड करते हैं बहुत सारे देश जैसे रशिया और यू जो कि इनका लॉन्जिट्यूनल एक्सटेंट काफ़ी लंबा है और चाइना वहाँ पर अलग अलग टाइम होता है पर हमारे देश में पूरी कंट्री में हर एक स्टेट में हर एक पार्ट में सेम टाइम होता है और वो टाइम कहाँ से डिसाइड होता है दैट टाइम इज़ डिसाइडेड बाय द इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन तो इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन आप मैप में देख सकते हैं कहाँ से जा रहा है और कितने डिग्री पे है एटी टू डिग्री थर्टी मिनट ईस्ट या फिर एटी टू एंड हाफ डिग्रीज ईस्ट तो ये जो डॉटेड लाइन है ये इमेजनरी लाइन है ये पास हो रही है उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से और मिर्ज़ापुर कहाँ है पूर्व के अलाहाबाद में जिसका नाम अभी क्या कर दिया गया है प्रयागराज तो मिर्जापुर से पास होके जा रही है ये डॉटेड लाइन दैट इज इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन एट्टी टू एंड हाफ डिग्रीज ईस्ट जिससे सभी एरिया का टाइम टेबल टाइम चलता है जो टाइम इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन के अलांग होगा वही टाइम देश के बाकी हिस्सों में भी रहेगा इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर लॉन्जिट्यूडनल पोजिशन देयर इज़ अ टाइम लैग ऑफ ऑलमोस्ट टू आवर्स बिटवीन गुजरात एंड अरुणाचल प्रदेश देयरफॉर फोर टाइम अलॉन्ग विद द इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन एट एट्टी टू डिग्री थर्टी मिनट ईस्ट विच पासिस थ्रू मिर्ज़ापुर इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री इसीलिए जो मिर्ज़ापुर से स्टैंडर्ड मेरिडिन पास हो रहा है वही स्टैंडर्ड टाइम लिया जाता है देश के सभी पार्ट्स के लिए द लेटीट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट तो ये तो बात हुई लॉन्गिट्यूड की जिससे हमें टाइम का डिफरेंस पता लग रहा है बट जो लेटिट्यूडनल एक्सटेंट है उससे किस चीज़ का गैप क्रिएट होता है हमारे जो डे एंड नाइट हैं देखिए ये जो सदर्न इंडिया है ये बहुत ज़्यादा पास है एट डिग्री फोर नॉर्थ पे है और जो नदर्न इंडिया है जम्मू कश्मीर है वो काफ़ी दूर है इक्वेटर से तो जितने आप दूर जाते जाएंगे इक्वेटर से उतना ही जो डे का टाइम पीरियड है वो कम हो जाएगा और जो नाइट्स हैं उसका टाइम पीरियड बढ़ जाएगा और जितने आप पास होंगे इक्वेटर के वहाँ पे डे का टाइम पीरियड ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि ज़्यादा देर तक सनशाइन हमें Available Drahegi. Moving on, let's discuss some in-text questions, also known as hot questions. Why 82 degree 30 minute east, yeah, 82 and a half degree east has been selected as the standard meridian of India. It is selected as the standard meridian of India because it lies almost at the center of India. The longitudinal extent. इज़ अराउंड ट्वेंटी नाइन टू थर्टी डिग्रीज़ तो फिर इसको सेंटर पर लेने का प्रयास किया गया है और किसी भी स्टेट में किसी भी एरिया में देर शुड भी नो कन्फ्यूजन अबाउट टाइम और देर शुड भी नो टाइम डिफरेंस दैट इज़ वाई एटी टू एंड हाफ डिग्रीज ईस्ट इज़ टेकन एज द स्टैंडर्ड मेरेडेन ऑफ इंडिया क्वेश्चन नंबर टू वाई इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ड्यूशन ऑफ डे एंड नाइट हार्डली फेल्ट कन्याकुमारी बट नॉट सो इन कश्मीर तो इसका डिस्कशन हम अभी कर चुके हैं जो लेटिट्यूडल एक्सटेंट्स हैं उससे डे और नाइट का गैप होता है जितनी पास जैसे कि कन्याकुमारी काफ़ी पास है इक्वेटर के तो वहाँ पे जो डे और नाइट का टाइम पीरियड है वो ऑलमोस्ट सेम है वहीं जो कश्मीर है वो लगभग तीस डिग्री दूर है कन्याकुमारी से तो वहाँ पे या इक्वेटर से लगभग पैंतीस से चालीस डिग्री दूर है तो वहाँ पे क्या होगा जो डे और नाइट का डिफरेंस है यानी कि जो डे हैं वो रिलेटिवली शॉर्टर होंगे एज कम्पेयर टू नाइट बिकॉज दे आर फार ऑफ फ्रॉम द इक्वेटर नेक्स्ट इज़ इंडिया एंड द वर्ल्ड अभी तक तो हमने बात की इंडिया के लोकेशन की इंडिया के साइज़ की ट्रॉपिक ऑफ़ कैंसर की इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन की अब बात करेंगे भारत की लोकेशन और विश्व के अन्य देशों के बारे में वट आर आर रिलेशन एंड हाओ दे आर सो एंड सो ऑन सो so, एक मैप देख सकते हैं आप यहाँ पे जिसमें आपको दिख रहा है बहुत सारी डॉटेड लाइंस और बहुत सारी स्ट्रेट लाइंस जो कि चेन्नई मुंबई दिल्ली इन सब को जोड़ रही हैं विश्व के अलग अलग देशों और शहरों से तो एयर रूट्स और सी रूट्स यहाँ पे दिखाए हुए हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो ट्रेड रूट्स हैं हमें पता है कि विश्व में व्यापार ज़्यादातर जो है वो समुद्र के इलाके से होता है और बड़े बड़े जहाज़ों के द्वारा होता है सो इंडिया लाइज एट द सेंटर ऑफ द इंडियन ओशन तो जो इंडियन ओशन के वेस्ट पे कंट्रीज़ हैं अफ्रीकन कंट्रीज़ एशियन कंट्रीज़ और यूरोप और जो ईस्ट पे कंट्रीज़ हैं ईस्ट एशियन कंट्रीज़ ऑस्ट्रेलिया एसेट्रा इन सभी से के ट्रेड के जो व्यापार का जो रूट है उसके बीच में हम पढ़ते हैं तो इसीलिए हमारी लोकेशन इंडियन ओशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है बिकॉज एवरीबडी हैज़ टू Do trade with East and the Western countries, we are a connecting factor. We act as an important position holder in the trade route or the Indian Ocean. So, the Indian landmass has a central location between East and West Asia. The trans Indian Ocean trade routes, which connect the European countries with the Asian countries, provide a central location to. इंडिया therefore from the ancient times itself, we have been connected and we are trading with both both eastern countries as well as the western countries. इस मैप में, में आप देख सकते हैं एंशियट ट्रेड रूट और सिल्क रूट की बात कर रहे हैं जिसमें हमारे बहुत पुराने ज़माने से ही संबंध थे जो ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं अफ्रीकन कंट्रीज हैं वेस्ट एशियन कंट्रीज हैं दिस सेंटर लोकेशन लाउज इंडिया टू हैव क्लोज कॉन्टैक्ट विथ ईस्ट एंड वेस्ट एशिया यूरोप एंड अफ्रीका इंडिया इज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इंडिया इज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन द इंडियन ओशन देयर फोर द इंडियन ओशन गॉट इट्स नेम फ्रॉम इंडिया जो इंडियन ओशन है उसका नाम भारत के नाम पर रखा गया क्योंकि कोई भी और ऐसा देश नहीं है इंडियन ओशन में जिसकी कोस्ट लाइन इतनी लंबी हो जितनी इंडिया की है इंडियन ओशन में सो so, अब बात करेंगे स्वेज कैनाल की एक ऐसा कैनाल जिसने जो भारत और यूरोप स्पेशली के बीच में जो डिस्टेंस है या जो वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज़ के बीच में और नर्दन अफ्रीकन कंट्रीज़ के बीच में डिस्टेंस है उसको काफ़ी कम किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज में जो स्वेस कैनाल है वो बनाया गया एशिया और अफ्रीका को कनेक्ट करने वाला जो लैंडमार्क था उसको क्लियर करके स्वेज कैनाल बनाया गया ताकि जो मेडिटेरेनियन सी है वहाँ तक सीधा जो अरेबियन सी से होते हुए पहुँचा जा सके और यूरोप के देशों तक पहुँचा जा सके स्पेशली जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं तो इस कैनाल ने पहले देखिए जो नीचे लाइन दिख रही है हमको वहाँ से घूम के हमें जाना होता था अगर हमें ट्रेड करना है यूरोप के वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ पर स्वेज कैनाल की बनने के बाद हम सीधा यहाँ से शॉर्टकट लेते हुए जा सकते हैं तो इसने लगभग सात हजार किलोमीटर की डिस्टेंस इंडिया और यूरोप के बीच में कम की है बात करेंगे स्वेज कैनाल की द स्वेज कैनाल वॉज ओपन इन द ईयर 1869. इट रिड्यूज इंडियाज डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप बाय 7000 किलोमीटर इसने भारत और यूरोप के बीच की जो दूरी है उसको सात हज़ार किलोमीटर तक से कम कर दिया आई होप यू अंडरस्टूड टूडेज टॉपिक्स वेल राधर फ्रॉम डिस्कसिंग दे आर मोर ऑफ अ इंफॉर्मेटिव और लर्निंग अप्रोच तो आप उसको समझें लोकेशन को प्लॉट करें मैप पर हम मैप वर्क भी करेंगे इस चैप्टर का बाद में आफ्टर द थियोरटिकल पोर्शन इज ओवर वी विल ऑल्सो डू अ मैप वर्क सो ट्राई टू अंडरस्टैंड थिंग्स एंड ट्राई टू रिमेंबर ऑल्सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट What is India's total area and its rank in the world? Question number 2. What is longitudinal and latitudinal extent of India? Question number 3. Name the southernmost point of Indian Union and Indian mainland. Question number 4. What is Indian standard meridian? Question number 5. Name the countries larger than India. Question number 6. Which island group lies to the southeast and southwest of India? क्वेश्चन नंबर सेवन द सनराइजेज़ टू आर्स अर्लीयर अरुणाचल प्रदेश एज़ कम्पेयर टू गुजरात इन द वेस्ट बट दॉचेज शो द सेम टाइम हाउ डज दिस हैपन इसके बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में लगभग दो घंटे का गैप है लगभग थर्टी डिग्री लॉन्गिट्यूड का गैप है पर फिर भी जो हमारे देश के सभी हिस्सों में चाहे वो वेस्ट में हो या ईस्ट में हो वॉचेज सेम टाइम दिखाती हैं ऐसा कैसे होता है क्वेश्चन नंबर एट व्हाट लैटिट्यूड डिवाइड्स इंडिया इनटू टू इक्वल हाफ्स कौन सा ऐसा लैटिट्यूड है जिसने भारत को ऑलमोस्ट दो हिस्सों में बांटा हुआ है द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ़ इंडियन ओशन इज़ कंसिडर्ड ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस वाई जो इंडिया की सेंट्रल लोकेशन है उसकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है क्वेश्चन नंबर टेन विच कैनाल शॉर्टन इंडियाज डिस्टेंस विद यूरोप बाय सेवन थाउजेंड किलोमीटर्स किस कैनाल ने भारत और यूरोप के बीच की दूरी सात हजार किलोमीटर से कम कर दी आई होप यू अंडरस्टूड टूडेज टॉपिक्स वेल इफ द वीडियो वॉज इंफॉर्मेटिव प्लीज लाइक इट शेयर इट विद अदर्स अदर्सो सो दैट दे कैन ऑल्सो बी बेनिफिटेड गिव यूर सजेशंस इन द फॉर्म ऑफ कमेंट्स सो दैट वी कैन मेक इम्प्रूवमेंट्स इन आर वीडियोज एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर लेटेस्ट इंफॉर्मेटिव वीडियोज थैंक यू एंड एव ए नाइज डे